एंड वहां पर खिलाड़ी मौजूद तो है, नो डाउट यहाँ पर। नो डाउट अबाउट इट। एंड यू नो सबसे मजेदार बात यह है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में मोंटेनुवेवो को, ये जो नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पर पिछले 10 मिनट से फाइट चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टीम आईएनडी एंगेज करती है सेवन सीज को, सेवन सीज यहाँ पे आईएनडी को लेने के लिए गोइंग लाइक आती है, एंड यहाँ पर टीम एफटीएक्स आउट ऑफ नोवेयर एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे आ चुके हैं फाइट लेने के लिए। ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मतलब ये काफी एक्सेल लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, टीम्स को मतलब खींच रहे हैं यहाँ पर, और फाइट और वो चीज हमें देखने को मिल भी रही है। आपने जैसे बताया मल्टीपल फाइट्स एक ही समय पे, बट अभी के टीएसएम एफटीएक्स क्या उनके माइंडसेट पे चल रहा है, क्योंकि पता है उनको खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है लेकिन स्टिल कोई भी फाइट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। लेकिन शायद अब हमें फाइट देखने मिल जाए क्योंकि निंजा के सामने वहां पर क्लच शॉट मौजूद है, थोड़े से रिचेस का बेनिफिट भी यहाँ पर उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद एक खिलाड़ी जरूर एक फ्लैंकिंग रोल वहां पर अदा करते नजर आ रहा है, क्योंकि फ्लैंकिंग बहुत ज्यादा मस्त है अगर आपको टीएसएम को निकाला है। लेकिन नियो की तरफ से क्या ही जबरदस्त ग्रेनेड और एक स्लैमिंग आप देखने को मिलता है पर हमें जॉनथन की तरफ से। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम नंबर 9 की अगर आप बात करेंगे गॉड लाइक की टीम की, वो घेर चुके हैं यहाँ पे टीएसएम एफटीएक्स को। एक और ग्रेनेड यहाँ पे किया जाता है, अगर कनेक्शन देखने का मौका मिलेगा एक नहीं जी यहाँ पे दो ग्रेनेड टॉस किए जाते हैं। टीएसएम एफटीएक्स को समझ के रहना पड़ेगा कनेक्शन यहाँ पे देखने का मौका नहीं मिलेगा, गलत रिजेस पे यहाँ पे ग्रेनेड ड्रॉप आउट किए गए हैं। अगर आप यू नो याद करेंगे गेम्स रोटेशन की हम बात कर रहे थे, मेरा मान में रोटेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दोज हिल्स, बिकॉज ऑफ दोज माउंटेन्स। एलिमेंट ईस्पोर्ट्स लिटरली एक वेस्टर्न रोटेशन लेके आए थे ब्रिज को क्रॉस करके अभी फाइट लेने के लिए आने वाले हैं, बट आई वॉन्ट टू नो कि कहाँ पर जाती है ये वाली फाइट। ये फाइट वेल यू नो गेम्स में मैं तो कहना चाहूंगा कि ये जो जगह है ना यहाँ पे और भी ज्यादा फाइट होने वाले इसके बाद। देखिए जितनी जल्दी फाइट खत्म होगी उतना बेनिफिशियल रहेगा, कि पता चले आपने अपोनेंट टीम को एलिमिनेट करा और आपके ऊपर थर्ड पार्टी आ जाए, तो वो चीज होने से पहले ही आपको ये फाइट को खत्म करना पड़ेगा। बहुत टीम्स आसपास से रोटेशन यहाँ पर मुझे पता है, नो डाउट यहाँ पर देखने को मिलेगी। न्यू की अगर बात करते हैं वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर टीएसएम एफटीएस के शैडो की तरफ एडवांटेज जरूर उनके पास, एफटी का पिलो है, जैसे ही उस करने की कोशिश करते हैं फ्री फायर लेकिन गलती भी हो तैयार थे। एंड मेल ख्याल से देखिए ना मैंने लिया और एक टीम बिल्कुल आसपास मुझे जाती हुई नजर आ रही है, एंड गॉर्जियस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अप्रोच उन्होंने करा है एक्वानॉक्स, शायद यहां से फाइट को डिसएंगेज करे प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेले तो बेस्ट यहां पर रहेगा, अदरवाइज मुझे लग रहा है कैप्टन ज्यादा तो सर्वाइव कर पाएंगे एक्वानॉक्स भी, क्योंकि पिछले गेम में पहला शिकार बन चुके हैं यहां पर जो हमने पहला गेम जब कास्ट करा था। वेल दूर से क्लच गॉड स्पॉट करते हैं उनको, एंड इनके नाम में जब यू नो क्लच गॉड है।